शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग मूवी थी। इसको देखकर मजा आया क्योंकि इसका पहला पार्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, दूसरा पार्ट तो और भी ज्यादा पसंद आया मुझे। मूवी आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, करेगी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि है ना वॉर्नर ब्रोस वालों ने पता नहीं क्या सोच के है ना छोटे छोटे क्लिप्स लीक कर दिए पहले ही। मैं तारीफ तो डेविड सैंडबर्ग की करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मूवी को और भी ज्यादा एफर्ट डाल के इतना ज्यादा एंटरटेनिंग बनाया क्योंकि इसके कैरेक्टर यानी कि मेन विलन जो है वो असल में कॉमिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऊपर से हमारे हीरोज को भी एक स्टोरी आर्क इतना अच्छा दिया है कि हमें पता चलता है कि पिछली मूवी में जो भी कुछ हुआ था मूवी से कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, जिसका रीजन भी मैं बताता हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो यार, पहली मूवी में हमें दिखाया गया था बिली बैटसन नाम का बंदा, वो उसके है ना माँ बाप ने तो उसे छोड़ दिया है, वो अनाथ है। उसके बाद उसके फोस्टर पेरेंट्स आते हैं उसे अडॉप्ट करने के लिए, जिसमें है ना कि सच और भी होते हैं, जिनमें कि घुलने मिलने में उसे दिक्कत आ रही होती है। इसीलिए है ना उस कैरेक्टर को हमें काफी ज्यादा सीरियस दिखाया गया था बिली बैटसन के मूवी में। धीरे धीरे जब है ना उसको शक्तियां मिलती है और पकड़ बनने लगती है, तब उसका बॉन्ड उसकी फैमिली के साथ बनने लगता है। तो वो अभी भी अपने पेरेंट्स को भुला नहीं पाया, जिसको हमें इस मूवी में स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है। अभी भी रोजा को अपनी माँ की तरह एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ उसे रोजा ही कहता है। यहाँ पर हमें ये भी देखने के लिए मिलता है जो उसके भाई बहन होते हैं के साथ वो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो जाता है, इसीलिए वो जब भी चाहता है वो अपनी फैमिली को हमेशा साथ रखना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी ये डर है कि फैमिली भी मुझे कहीं छोड़ कर ना चली जाए अकेला। ये तो बात बिल्कुल भी मानने वाली लगती ही नहीं कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड बिल्कुल 100 मिलियन में बनी है। कि VFX और CGI तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं हैरी पॉटर का फील करा देती है, इसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स की भी याद दिला देती है। इतना ही नहीं, ये तो मार्वल की पुरानी मूवीज की भी मुझे याद दिला देती है कि आखिरकार सुपर हीरो मूवीज में क्या ह्यूमर होता है और वो हमें क्या फील करा देती है अंदर से। मुझे तो ये पक्का महसूस हुआ था, बट आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको क्या फील हुआ है इस मूवी को देखते समय। डेविड सैंडबर्ग ने तो इस मूवी को डायरेक्ट भी इस एंगल से किया है और इसके अलावा इसमें जोक्स भी इतने अच्छे अच्छे डाले हैं, तो सच में कहता हूँ कि बड़े टाइम बाद सुपर हीरो मूवीज को देखकर मुझे हंसी आ गई। यहाँ पर कुछ अनसुलझे सवालों का भी जवाब हमें ये मूवी दे देती है कि आखिरकार ये छड़ी की पहले पार्ट में तोड़ दी गई थी वापस कैसे आ जाती है। इसके अलावा मैं ये भी पता चलता है कि एटलस की बेटियां भी क्यों आई हैं इस दुनिया में, अपना विजर्ड ये तो मर गया था पहले पार्ट में आखिरकार वापस कैसे आ गया, इसका जवाब भी इस मूवी में दिया गया है। इसका क्लाइमैक्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मैं तो ये फील कर गया था कि इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा, सोचा नहीं था। एंडिंग में जाकर कुछ अलग ही ट्विस्ट आ जाता है जिसकी वजह से है ना उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता नहीं। हाँ, इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी हैं, अगर आप हो गए तो मैं एक और वीडियो ला दूंगा जिनमें मैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक सीक्रेट तो बताना भूल ही गया जो स्टार्टिंग में बताया था, ये मूवी असल में फ्लैश मूवी के इवेंट्स के बाद एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमने इस मूवी में भी देखा था एक ग्लिम्स पिछली मूवी का दिखाया गया था, यहाँ पर हमें वो टकला दिखाया जाता है जिसकी एक आंख जादुई हो जाती है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की कॉस्ट्यूम चेंज होती है, का साफ मतलब तो यही निकलता है कि फ्लैश मूवी ने DCU को इस तरह से रीबूट किया है कि शज़ाम का कैरेक्टर भी ज्यादा चेंजेस नहीं आई है पहले वाली मूवी से, तो उसकी कॉस्ट्यूम चेंजेस हुई है, जिसका साफ मतलब ये निकलता है कुछ हीरोज की कहानियां में छोटे मोटे चेंजेस आए हैं और कुछ हीरोज की कहानियों में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं, जिसका मतलब साफ यही है कि मैन ऑफ स्टील वाले हेनरी कैविल चले गए हैं और सुपरमैन लेगेसी में अब न्यू सुपरमैन देखने के लिए मिलेगा, न्यू बैटमैन भी आएगा, इनकी कहानियां भी काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं। की बात की जाए शज़ाम और वंडर वूमेन एक्वामैन का अभी कंफर्म नहीं कर सकता, बट कह सकते हैं कि हाँ इनकी कहानियां भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, फर्क इतना ही है। इस मूवी से हमें ये तो पता चल जाता है कि फ्लैश मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस मूवी को देखने के बाद मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ फ्लैश मूवी को लेकर, कि आप लोग अपने ओपिनियंस भी कमेंट्स में जरूर बताइए।